हेलो एवरीवन, क्या हाल है। मेरा नाम मिलिंद कोत्रा है और आपको आज वाली वीडियो में सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगेगा कि ये बहुत अच्छे से बड़ी अच्छी क्वालिटी में बड़े अच्छे से एडिट होकर बनी होगी। तो जो आप सबसे मेरे को गालियाँ निकाल रहे हो कब से कि नहीं कि सारा कुछ अच्छा है बट वीडियो बहुत घटिया लेवल पर बन रही है। ये पहले पहले ही बड़ी करूँगा। आज हम हैं जीप कंपस में, तो आज हम जीप कंपस का रिव्यू करने आए हैं। जीप कंपस को लॉन्च हो तो टाइम हो गया ऑलरेडी और काफ़ी सारी वीडियोज आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल जाएंगी, बट मैंने सुना है कि इस कार की स्पेशलिटी इसकी ड्राइविंग है। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने कार के फीचर देखे, कार की प्रैक्टिकलिटी देखी, कार का प्राइस देखा, तो मुझे रियलाइज हो गया कि जितनी ये महंगी है इसकी ड्राइविंग बहुत अच्छी होगी, इसलिए महंगी होगी। इसका फॉर्म फैक्टर डस्टर लेवल का है, डस्टर है टेरानो लेवल का, और वो गाड़ियाँ 12 से 14 लाख के बीच की हैं और ये गाड़ी 18, 20, 21 इतने लेवल की पड़ रही है। इसके अंदर 5 मॉडल्स हैं, एक बेस है, एक फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, बट ये मिडिल मॉडल है। मिडिल में भी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं, जो इसके ऊपर वाले हैं उनमें 4x4 ऐड हो जाता है या एक ऑप्शन पैक ऐड हो जाता है, बट जो बेसिक फीचर्स हैं जो ये कंपनी ऑफर कर रही है इस कार के साथ वो इस मॉडल में सारे हैं। आपको टच स्क्रीन मिलेगी जिसमें सारी चीज़ें चलती हैं, ऑटो एसी है, ऑक्स है, यूएसबी है, पावर विंडोज़ हैं, स्टेयरिंग पर कंट्रोल्स हैं, बट फिर भी मेरे को जितनी महंगी ये कार है बहुत कुछ देखते हैं मेरे को इसमें फीचर्स की बहुत कमी लगी। मतलब इस लेवल की कार में 18-19 लाख की गाड़ी में बहुत कुछ होता है यार। मतलब इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, इसमें सनरूफ नहीं है, सनरूफ मैंने सुना वो डाल रहे हैं, तो काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें मेरे को ये चीज़ें मिसिंग लगी कि ये एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर उन्होंने रखी है तो ये चीज़ें उनको डालनी चाहिए थी। बट सबसे बड़ी खासियत कार की जिसके कारण ये प्राइस मांग रहे हैं, दैट इज इट्स इंजन एंड इट्स पावर। ड्राइव अभी हम करके देखें तो पता चलेगा कि ड्राइव करने में कितनी अच्छी है। इसका 2000 cc का इंजन है और 173 bhp पावर है, एंड 173 bhp इज अ लॉट ऑफ पावर। 173 bhp में आपको मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू उन लेवल की गाड़ियाँ आ जाती हैं सारी, कि जो 170, 180, 190 bhp की पावर देते हैं। 320d हो गई या ऑडी का A4 इंजन हो गया, A3 और CLA क्लास की भी 140-140 bhp है, और इस सेगमेंट में XUV है उसकी 140 bhp है। इनोवा क्रिस्टा का जो टॉप मॉडल है, अब जो नई वाली इनोवा है उसके अंदर जो बड़ा वाला इंजन है या जो फॉर्चुनर का इंजन है उसकी पावर 177 bhp है, जो इस लेवल में आती है। मतलब 177 bhp इज अ लॉट ऑफ पावर, अ लॉट ऑफ पावर। और अगर गाड़ी बनी अच्छी है, चेसी अच्छी है, बिल्ड अच्छी है, ड्राइविंग अच्छी है, स्टेयरिंग अच्छा है, सस्पेंशन अच्छी है, और विद दैट पावर इट कैन बी अ रॉक स्टार, वही हम चला के देखेंगे। और अगर अपनी ड्राइविंग पे बहुत ज़्यादा ही सरपास करती है तो डेफिनेटली इट इज़ वैल्यू फॉर मनी, कि जितने के पैसे मांग रहे हैं, और ड्राइविंग एंथुसियास्ट खुश होंगे। अब अगर बाकी चीज़ों की बात करें तो प्लास्टिक क्वालिटी इज़ गुड, अच्छा लग रहा है, बट मिक्स है भी है थोड़ा सा। जैसे लेदर इज़ वेरी गुड, सीट्स आर वेरी कम्फर्टेबल, रूमीनेस बहुत है, फील इसकी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। अब ज़्यादा रेज नहीं फील कर रहे ग्राउंड से, बट कॉम्पैक्ट फीलिंग है। मतलब कि SUV जितनी बाहर से लग रही है बड़ी बड़ी, आप उतने ऊपर नहीं बैठे हो, आप बैठे थोड़ा नीचे ही हो, तो आपको अंदर बैठ के नहीं लगता कि आप बहुत ऊपर हो या ऊंचे वाली फील आ रही है जैसे XUV में आती है या इनोवा में आती है, वैसा कुछ नहीं है। अब हम लॉन्जिट्यूड ऑप्शनल में है, इनकी गाड़ी के हर मॉडल के साथ एक ऑप्शन पैक मिल रहा है। तो ऑप्शन पैक में क्या क्या मैं बताता हूँ आपको, पहले तो पुश स्टार्ट है। ऑप्शन पैक में क्या है, टच स्क्रीन सबसे बड़ी वाली है। पूरी जीप की रेंज में 3 तरह के इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एक सबसे बेसिक है वो भी टच स्क्रीन है बट वो काफ़ी छोटी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद एक नॉर्मल टच स्क्रीन है विच इज साइवेंस टच स्क्रीन, उसके अंदर सारे फीचर चलते हैं बट एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले नहीं है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले भी है और इसका साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ये ऑप्शन बैक का पार्ट है। ऑप्शन बैक का सेकंड पार्ट है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और रूफ रेल हो रही है छत के ऊपर। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है, मतलब इन्होंने हर एक चीज़ ड्राइविंग के लिए रखी हुई है। अब ये कॉस्टली क्यों है इतनी ज़्यादा, इसके अंदर ABS EBD पता नहीं कितने तरह के हैं, ब्रेक फोर्स असिस्ट अलग है, एक हिल होल्ड असिस्ट है, एक हिल डिसेंट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल सब में स्टैंडर्ड है, स्टेबिलिटी कंट्रोल सब में स्टैंडर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वही हो गया, पार्किंग उसके अलावा इसकी पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है, यू डोंट हैव दैट थिंग, भले मेरे को ज़्यादा पसंद है वो, बट इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक आती है। इंजन इज क्वाइट रिस्पॉन्सिव, अभी से ही पता चल गया, बिकॉज जिस तरह से गाड़ी जान लेती है या लाइवलीनेस फील करती है उससे आइडिया लग जाता है कि इंजन में कितनी पावर और कितना रेडी है रिस्पॉन्स करने के लिए। सबसे पहले तो यार कंपस के लेवल की गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, इनोवा और XUV 500 और टाटा हेक्सा, वो तीनों प्रैक्टिकलिटी पर ज़्यादा बैट करती हैं और ये ड्राइविंग पर ज़्यादा बैट कर रही है। लेट अस सी क्या चीज़ है। अभी मैं धीरे ड्राइव कर रहा हूँ, अभी मेरे को सारे हॉर्सेस नहीं फील हो रहे, इट इज़ गोइंग स्मूथ। मतलब शहर में भी अगर आपको चलाना है बहुत आराम से, बहुत अच्छी ड्राइविंग भी चला सकते हैं, बहुत कम रेस देने की जरूरत पड़ रही है मेरे को और गाड़ी रेड़ रही है बस आराम से, बस थोड़ा क्लच छोड़ा, थोड़ी सी रेस दी, नहीं भी दी क्लच छोड़ने पर वैसे डीजल इंजन बहुत ईजिली पिकअप ले लिया।
low speed drivability is very good up till now. Compact SUVs की सबसे अच्छी बात क्या है? Being the owner of EcoSport and my friend who's making this video, उसके बाद भी EcoSport ही है और मेरे कहने पे ली थी। हम दोनों का same model and we are both EcoSport fans. Compact SUVs की सबसे खास बात ये होती है यार कि जो बड़ी SUVs होती हैं, उनको driving में इतना मजा नहीं आता, क्योंकि उनकी structuring और बिल्कुल अलग तरीके से होती है। तो normally क्या कि अगर आप चाहते हो कि आप ground से ऊपर बैठे हो और आपकी थोड़ी टॉर हो या whatever you have that big, अगर आपको बड़ी presence चाहिए हो, तो you have to compromise on drive quality. क्योंकि कार उतनी कॉम्पैक्ट नहीं रहती, बट जो कॉम्पैक्ट SUVs हैं, दे गिव यू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ एन SUV एंड द ड्राइविंग डायनामिक्स ऑफ ए कार. मैं थोड़ा यूज्ड टू हो रहा हूँ कार के साथ, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम ड्राइविंग दिस कार. नाउ ऑन द हाईवे वी विल सी क्या पिकअप है, क्या इंजन रिस्पॉन्स है. द एक्सेलरेशन इज क्वाइट लीनियर, क्वाइट लीनियर. कोई आपको पागलों वाली एक्सेलरेशन नहीं लग रही. इट इज़ वेरी स्मूथ, बहुत अच्छे से पिकअप ले रही है. आई एम ऑन 100 ऑलरेडी. It is very good. Well, this feel justifies the premium tag. It is 120 now, and now wind noise hai, na kuch hai, na engine noise hai. I am on fourth gear. Bilkul bhi noise nahi aa rahi hai. And it is cruising so comfortably, so comfortably. 120 doesn't feel like 120 at all, at all. Koi awaaz bhi nahi hai. No wind noise, no engine noise. Checking the steering. The steering feel is good. Amazing. और गाड़ी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है स्टेयरिंग को. Wow. The chassis is really responding well. I'm at 130 now. और बिल्कुल भी आवाज नहीं, कुछ नहीं. इतना कंफर्टेबल यार. Again, the car picks up from fifth gear. 80 तक चला गया था मैं. It is so comfortable. 120 पे थे अभी हम और है मतलब और लग ही नहीं रहा है. आगे होंडा सिटी जा रही है डेस्टे वाली. Now I'm giving full throttle and the car is completely stable. Everything is great. I'm at 160. I'm slowing down. I'm at 150 and I'm changing the lane. 140. Slowing down. Again changing the lane. And the car is totally in control. It is so comfortable. Car meri sabse highest position par hai. Ab mujhe fir feel ho raha hai ki I'm race on the ground. It is feeling so good. Nahi to agar aap itni unchi gaadi, मतलब यहाँ अगर आप रेज हाइट वाली कोई भी कार ड्राइव करते हो, आप इतनी कंफर्टेबली आप उसको इतनी आराम से मैन्यूवर नहीं कर सकते. सो इजी. मैंने XUV बहुत चलाई है और उसके अंदर नो डाउट वो भी मोनोकॉक जैसी है. उसके ड्राइविंग डायनामिक्स भी बहुत अच्छे हैं, बट नॉट बेटर देन दिस. द स्टीयरिंग फीडबैक इज सो ग्रेट. मतलब लग ही नहीं रहा यार कि कम स्पीड पे थे हम, ज़्यादा स्पीड पे थे. ये कैसे लेकर गया, ऑन भी नहीं मारा था. इतना प्रीमियम और इतना कंफर्टेबल एक्सपीरियंस लग रहा है, मतलब कि मैं लॉन्ग डिस्टेंसेस इतने इजीली इस पे कवर कर पाऊंगा यार. सही बात है, द कार इज सो प्राइसी ओनली बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग डायनामिक्स एंड द कंफर्ट दैट इट इज प्रोवाइडिंग. अगर 19-20 लाख की कार आपको कम से कम, अगर आप लॉन्ग टूर ज़्यादा मारते हो या इंटरसिटी बहुत ट्रैवल करते हो, विल बी वेरी कंफर्टेबल. सो इजी. आई वाज एट 100. पता ही नहीं लग रहा है कब ज़्यादा पे जा रही है, कब नीचे पे जा रही है. यही फायदा, मतलब यही चीज़ होती है जो महंगी गाड़ियों की होती है. एंड इट रियली इट इज शोइंग दैट. मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन यही था यार कि कार ओवर महंगी है. जस्ट शेयरिंग विद हिम कि अभी तक तो गाड़ी में लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि मतलब कि इतना प्राइस होना चाहिए.
कि बंदा बैठ रहा है इनोवा है वो ले रहे, बट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज सो गुड यार, इट इज सो प्रीमियम। द शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्सेलरेशन अमेजिंग। खराब सड़क से निकल रहा हूँ एंड इट फेल्ट लाइक जस्ट ऊपर से ऐसे निकल गई। अगेन सेकंड टाइम आई एम एट अ हायर स्पीड नाउ, नहीं है ज्यादा है इसमें, यहाँ से निकलना है। द कार इज सो प्लांटेड, सो स्टेबल एंड सो इन योर हैंड्स, इतना ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है। नाउ इट फील लाइक आई एम इन 19 लाख और 20 लाख कार। इंजन नॉइज बिल्कुल नहीं है, द कार इज सो कंफर्टेबल टू ड्राइव, थोड़ी रेस दी एंड दैट पिक्स अप पावर। नो डाउट कि यू नीड टू बी इन दैट आरपीएम जोन 1500-2000 के बाद इट टेक्स दैट, बट इवन देन इट इज स्मूथ एंड इट इज टोटली ड्राइवेबल। इट फील सो कंफर्टेबल, यू कैन रियली क्रूज एट 130-140 km/h, नॉट फीलिंग कि इंजन आपका जोर खा रहा है। अब आराम से 130-140 पर ट्रैवल कर सकते हो, या मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ नॉर्मली क्या होता है कि मैं फास्ट चला लेता हूँ, बट अगर सपोज करो मेरे साथ कोई पैसेंजर बैठा है तो वो इंजन नॉइज से जज कर लेता है भाई तुम तेज जा रहे हो, इतने में ना चलाओ। बट आई कैन ड्राइव दिस कार एट 140 ऑल डे एंड नो वन विल नो अबाउट इट, द पैसेंजर्स वोंट नो अबाउट इट। इट विल भाई किसी को आने मतलब लगेगा कि आप कितनी स्पीड पर जा रहे हो, एंड 140 एंड 140 और 150 इज रियली इट हाई स्पीड। मैंने 140 पे थ्रॉटल पूरा दिया एंड आई वाज पुश बैक टू माय सीट्स, आई एम 160 नाउ इन फोर्थ गियर। द कार इज सो सो स्मूथ, अब थोड़ी इंजन नॉइज बढ़ी है, अब नाउ इन फिफ्थ गियर इंजन नॉइज और कम हो गई। आई एम 170, वाओ मैन, ब्रेकिंग नाउ द स्पीड हैज कम डाउन टू 120 110 100 100। कार ने कोई डाइव नहीं ली, इट इज सो स्मूथ एंड सो लग्जूरियस यार, इतना मजा आ रहा है यार ड्राइव करके, इट इज सो एफर्टलेस एंड सो इजी टू ड्राइव, सो सो इजी टू ड्राइव। आई एम गोइंग टू ब्रेक हार्ड, वी आर एट 130, वाओ। We went down to 50 and the brakes felt good, the bite was good. The car is really so good, you need to drive the compass to know it. जैसे मैं शोरूम में घुसा आया थोड़ा लाइक डस्टर जैसी कार, उन्होंने इतनी महंगी कर दी है, नो डाउट चलो इंजन अच्छा है पावर अच्छी है, बट इतनी क्या बात है, बट दे हैव पुट ऑल देयर मनी इनटू मेकिंग द ड्राइविंग एक्सपीरियंस सो रिच, इट इज सो ट्रू, इतना ज्यादा सही लग रहा है यार। This car is really so comfortable यार, so comfortable. इंजन की कोई आवाज ही नहीं है यार, मैं फिफ्थ गियर पे 170 पे लेके गया था गाड़ी, सिक्स पे तो और भी कम होता। This is a rough patch of the road. The car just glided over it. The steering is so good, slow speeds pe bhi. And the car is so compact. It is so easy to drive, so easy to drive. Highway pe itni aaram se chalti hai, shehar mein itne marzi se chal rahi hai. It is so easy to drive. The engine supports you, the chassis supports you, everything supports you. Aur itna silent experience lag raha hai, engine noise nahi hai, koi noise nahi hai. And we have just done speed up to 170 km/h. It really is amazing. I've been so comfortable, the seating was super comfortable, everything was on my hand, the gear shifting is so easy, so smooth, it shifts just like so effortlessly, so effortlessly. EcoSport ki shifting thodi kharab hai, thodi hard hai, but this is so easy.
so damn easy, yaar. It felt so good. The seats just are perfectly sized. Perfectly sized. Bolstering achhi hai, width bhi achhi hai. They just hug you tight. Matlab, it is not a laid back approach. It is a sportier seating. But it is so good, yaar. It feels so great. So great. मतलब मजा आ रहा है यार कि ये गाड़ी ले लद्दाख लेके जाने वाली कार है लिटरली मतलब जिसको शौक है गाड़ी चलाने का 19 20 लाख खर्चे का इस कार पे वो नहीं लगा इनोवा नहीं लगा एक्सयूवी प्रैक्टिकलिटी को साइड पर रख देगा बार बार द एक्सपीरियंस इज सो गुड ये ऊपर वाला मॉडल है लिमिटेड वाला द लेदर इज गुड अंदर सीट्स की लेदर भी बहुत अच्छी है जो दूसरे इससे नीचे वाला मॉडल है जिसमें प्रेसिव लगे हैं उसका ये बेज कलर का है और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और सीट्स भी उसके लेदर की नहीं है उसकी फैब्रिक की है बट द बटन्स एवरीथिंग इज सो गुड एंड हैंडी हर एक चीज़ की इफ़ यू टॉक अबाउट एर्गोनॉमिक्स एर्गोनॉमिक्स मतलब कि कौन सी चीज़ कितनी ईजी है चलाने के लिए आप ड्राइव कर रहे हो तो आपके बटन आपके हाथ में आ रहे हैं एर्गोनॉमिक्स मीन्स बेसिकली कि आप सारा ध्यान आपकी ड्राइविंग के ऊपर है आपको कुछ भी ड्राइविंग से डिस्ट्रैक्ट नहीं करता और एग्जैक्टली वैसे बना हुआ है शीशे फोल्ड करने वाला बटन यहाँ पर बना हुआ है सेलेक्ट करने वाला कि कौन से शीशे का हमने शीशा ऊपर नीचे करना है वो यहाँ पर बना है एवरीथिंग इज सो एट हैंड फ्रंट दोनों ऑटो अप डाउन है इट इज़ सो कम्फर्टेबल अंदर आना बाहर उतरना इज़ वेरी इजी वेरी कम्फर्टेबल कोई इसमें वो नहीं है द सीट्स आर सो गुड शेप से पता लग जाता है ये बनी आपको पकड़ने के लिए चाहे पहाड़ों पे जितना मर्जी कॉर्नर करो कट काटो हाईवे पे यू विल नॉट फील कि यार मैं अंदर से हिल रहा हूँ द लेदर रैप ऑफ द स्टीयरिंग इज गुड लेट अस सी द रियर स्पेस नाउ पहले बैठा था अच्छी तो लगी ही थी एंड द रियर इज गुड और मुझे सीट की शेप से BMW X1 की सीटें याद आई उन्होंने उनकी शेप ऐसी लास्ट टाइम आई कंपेयर्ड ऑडी A3 विद होंडा सिटी लोगों ने बात ही नहीं समझी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि व्हाई इज इट बेटर टू बाय द प्रीमियम वर्जन ऑफ चीपर ब्रांड्स रादर देन द चीपर वर्जन ऑफ एक्सपेंसिव ब्रांड्स और कितना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डिसीजन है AC वेंट्स हैं यहाँ पे पीछे नीचे यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट है USB पोर्ट है Everything is so good. I just hope कि recline angle थोड़ा better होता मतलब space is really good. बहुत comfortable feel करते हो आप Recline angle अगर थोड़ा better होता तो I wish कि seats थोड़ी पीछे अगर recline हो सकती तो but I think they don't offer recline. तो वो recline angle थोड़ा आपको ज़्यादा straight लग रहा है But otherwise it is so good. अच्छी है थाई स्पीड अच्छी है ये एक्सटेंड करा हुआ है दोनों जो मेन एरिया हैं इनको एक्सटेंड करा हुआ है तो इसके कारण थाई स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है लेग रूम इज़ गुड ओवर ही खुला नहीं है पागलों वाला बट इट इज़ गुड इनफ द फील ऑफ द प्लास्टिक्स इज नाइस दरवाजा खोलना बंद करना इट फील सॉलिड द बिल्ड क्वालिटी इज ग्रेट द बूट इज सो ह्यूज सो ह्यूज ये सीट्स नीचे करके और बूट स्पेस कितने एक्सटेंड कर सकते हैं इट्स अ लाइफस्टाइल कार यार जिनको शौक है ना घूमने का गाड़ी चलाने का मतलब यू वांट टू हैव योर पर्सनल कार दिस इज इट यार दिस इज इट आई ऑलवेज विश कि यार मतलब जैसे मेरी फेवरेट कार इवोक है आई लव दैट कार लग्जरी प्रीमियमनेस पावर पिकअप स्पीड हैंडलिंग और एसयूवी टाइप ग्राउंड क्लीयरेंस बट आई कैन नॉट अफोर्ड दैट दिस इज वेरी गुड इंक्लूड करना हो तो आप अगर ड्राइव करते हो तो अचानक ही उसमें कोई उड़ल तो पावर नहीं लगता या वो झटके वाली एक्सेलरेशन नहीं है बट बहुत ही लीनियर और बड़ी सही एक्सेलरेशन है मतलब आपको आपका कभी भी कुछ जर्क नहीं लगेगा आपकी स्मूथनेस नहीं खराब होगी आप हमेशा अपने स्मूथ वाले लेवल पर ही रहोगे और कार अपने आप उठती रहेगी पिकअप खाती रहेगी पिकअप खाती रहेगी वी हैव बीन इन इनोवा वी हैव बीन इन फॉर्च्यूनर वी हैव बीन इन एवरी अदर कार्स बट एक पॉइंट के बाद अगर गाड़ी शोर करने लग जाती है वो बताने लग जाती है नहीं कि मैं ज़्यादा स्पीड पर चल रही हूँ ज़्यादा स्पीड पर चल रही हूँ बट दिस कार डिडंट शो इट एट ऑल यू नो सो कम्फर्टेबल और कार अगर आप स्लो स्पीड पर चलाओ तो भी बिल्कुल आपके हाथों में मतलब इट इज़ सो ईजी टू ड्राइव है मतलब परफेक्ट कार की अगर आप कहते हो यार कि मेरे पास अपनी एक गाड़ी हो जो एवरीथिंग कार हो ऑलराउंडर हो बिल्कुल और आप इनोवा या फॉर्च्यूनर रखना चाहते हो बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज कैरी दोज 5 सीट्स एक्स्ट्रा विद यू देन दिस इज योर कार परफेक्ट फॉर ड्राइविंग परफेक्ट फॉर एवरीथिंग यू नो द कंपनी क्लेम द माइलेज टू बी 17 km/h इट इज रियली ग्रेट तो अगर 13-14 की माइलेज भी आती है 175 BHP में इट इज़ ऑसम बहुत सही है आई थिंक दे आर प्लानिंग टू लॉन्च द ऑटोमेटिक वेरियंट सून सनरूफ वाला वेरियंट तो उनके पास आ ही गया है फीचर्स कार में माड़े मोटे कम है बट सारी कार बनी ही ड्राइवर के लिए
एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन द ड्राइवर. मतलब टच स्क्रीन भी इतनी कम्फर्ट, इतनी क्लोज थी और इतनी इजी टू हैंडल थी. नॉर्मली मेरे को टच स्क्रीन अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपका ध्यान जाता है, आपके हाथ दूर तक जाते हैं, बट द टच स्क्रीन वॉज गुड. सारे बटन राइट साइड पे आपके शीशों के लिए, फोल्ड होने के लिए, एवरीथिंग वॉज सो हैंडी. एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे थे, कोई भी बाहर से आवाज़ अंदर नहीं आ रही. आई फेल्ट सो गुड. मतलब इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस आई वुड एवर हैव. एंड रियली दिस कार मेक्स द वैल्यू फॉर इट 19-20 लैक्स बैच. तो आप इनोवा और अगर वो लेना चाहते हो, दिस इज द बेटर कार टू बाय. थैंक यू. साइनिंग ऑफ.